हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त हूँ, स्वस्थ हैं। आज के ब्लॉग में आपको बात कराने में बात है क्लियर, तो चलिए हम चलते हैं। उनको नाम हुआ अभिषेक निगम, तो हम चलते हैं रफीगंज। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। आज हम रफीगंज पहुँच चुके हैं और चलिए हम मिलते हैं अभिषेक नारायण भैया। तो मिलते हैं हम डायरेक्ट भैया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आया हूँ रफीगंज में, और रफीगंज आज आते हुए बात करा हूँ बात है क्लियर। उनको नाम हुआ अभिषेक नारायण, और वो मेरे ही सामने बैठे। हेलो भैया, कैसा है आप? एकदम मस्त, चटक चटक दम दम। और जितने के धनंजय ब्लॉग को देखने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो भैया, आप कब से काम कर रहे हैं? मैं यूट्यूब पर लगभग 2 सालों से काम कर रहा हूँ, निरंतर काम करता जा रहा हूँ। भैया, आपको मोनेटाइज कब हुआ था? मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था लगभग 3 से 4 महीने में हो गया था, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। और कंटिन्यू रहा, लगातार उस पर कंटेंट डालते रहा, और बाद में वीडियो वायरल हुआ जाकर मोनेटाइज हो गया। तो भाई, आपको घर से का सपोर्ट मिलता था? भाई, सपोर्ट मिलता है, जैसे स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे और लोगों के बीच में अपना नाम आने लगेगा, तो लोग सब सपोर्ट करने लगते हैं और सपोर्ट नहीं करते। मुझे तो सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर कर रहा हूँ काम। हाँ, देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको पागल बोल दिया जाएगा या निकम्मा बोल दिया जाएगा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे आप ग्रो करते जाइएगा तो लोगों के बीच में आइएगा, अरे नहीं, लम्बा स्टार्ट किया, धीरे धीरे हुआ लेकिन हुआ। और पहली बात कि आपको पेशेंस रखना होगा काम के प्रति, आपको रुकना नहीं है बीच में, कि अगर कोई डिमोटिवेट कर दे तो आप बीच में छोड़ के चले जाइए। तो जैसे उन लोगों को जवाब देना है आपको, ठीक है, तो आप काम करते जाइए, लगातार काम करते जाइए, उसके बाद देखिए रिजल्ट आना ही आना। मेरा एक वीडियो था लव कलरवा का वीडियो, ठीक है, उसमें ऐसा था कि लव कलरवा कर दिए। अरे ना बाबू, शादी में होता मैं जाए थे यहाँ, कौन कैसे लगती नजर आ जाता हूँ, ले लाइन कट गया। तुम्हें बोल रहे थे तो आप बोलिए ठीक से की बात है। हाँ, तो लाइन कट गया था बीच में, तो मैं बोल रहा था डायलॉग कि लव कलरवा कर दिए। अरे ना बाबू, शादी में होता मैं जाए थे यहाँ, कौन कैसे लड़की नजर आ जाता हूँ, से सुनना घर से प्लास्टिक ले ले जो हम लोग 2 बरस और ले लेंगे। भैया, ये आप घर लोग बोलने के लिए कहाँ सीखे थे? देखो, सीखे कहीं नहीं, बस करते करते इम्प्रोवाइज करते करते हो गया। तो आप कभी सोचे थे कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा? हाँ, सोचे थे, जैसे बचपन से ही हमको इस चीज में लगन रहा है। अच्छा, ठीक है, तो काम करते गया शुरू से ही, जैसे पढ़ाई लिखाई तो करते ही थे, लेकिन इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए लग गया इसी में, और काम कर रहे हैं, थोड़ा वायरल भी हो गया। आप मेरे यूट्यूब बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के बारे में बोलना चाहूँगा कि जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, धनंजय मस्ती ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए। और भाई को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक ये जाना चाहते हैं, और एकदम बम बम कर दीजिए, बस यही करना। जो आपको वीडियो देखते हैं उनको लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, और जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं भी अपना काम करता रहूँ। वीडियो में ऐसा आप कह रहे, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और चैनल बनाए हुए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।